यूपी में क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी के त्योहार पर गुड़िया पीटने की अनूठी परंपरा? भाई बहन की कहानी से भी जुड़ी हुई है गुड़िया पीटने की परंपरा की यह दूसरी कथा। एक अन्य कहानी के अनुसार एक लड़की का भाई भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। उस मंदिर में उसे हर रोज नाग देवता के दर्शन होते थे। वह लड़का हर दिन नाग देवता को दूध पिलाने लगा और धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया। नाग देवता को उस लड़के से इतना प्रेम हो गया कि वह उसे देखते ही अपनी मणि छोड़ उसके पैरों में लिपट जाते थे। इसी तरह एक दिन श्रावण के महीने में दोनों भाई बहन एक साथ मंदिर गए। मंदिर में जाते ही नाग देवता लड़के को देखते ही उसके पैरों से लिपट गए और बहन ने जब यह नज़ारा देखा तो उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। उसे लगा कि नाग उसके भाई को काट रहा है। तब लड़की ने भाई की जान बचाने के लिए नाग को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद जब भाई ने पूरी कहानी बहन को सुनाई तो वह रोने लगी। फिर वहां उपस्थित लोगों ने कहा कि तुमने नाग देवता को मारा है, इसलिए तुम्हें दंड तो मिलेगा। चूंकि यह पाप अनजाने में हुआ है, इसलिए कालांतर में लड़की की जगह गुड़िया को पीटा जाएगा। इस तरह गुड़िया पीटने की परंपरा शुरू हुई।